इंजीनियर्स आज समझेंगे टॉलरेंस इन रेनफोर्समेंट। टॉलरेंस इन रेनफोर्समेंट मतलब साइट में कोई भी रेनफोर्समेंट आ रहा है तो कितना गलत हुआ तो सह सकते हैं, साथ ही साथ कहीं अपनी साइट में कुछ गलतियां हुई, किसी कारणवश थोड़ा सा रेनफोर्समेंट इस जगह से उस जगह हो गया या फिर कटिंग लेंथ थोड़ा सा ज्यादा कट गया, तो कितनी गलतियों पर कोई आपको डांट नहीं सकता, कोई आपको गलत नहीं बोल सकता। आज पूरा डिटेल में वीडियो में जानते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरु जी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरु जी। सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी के लिए सिविल कोच। आज बात करने वाले टॉलरेंस इन रेनफोर्समेंट मतलब कितनी गलतियां हो रेनफोर्समेंट में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये गलतियों को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से कुछ मिस्टेक हो रही है या फिर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो कितना हमें चल जाएगा, ये मिस्टेक की अलाउंस क्यों देते हैं, हम लोग जीरो टॉलरेंस में क्यों नहीं काम करते। इसका ये रीजन है, कहीं मैं एग्जांपल लूं, अपन लोग एक पेंसिल लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, कहीं वो 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं। अब ये 2 सेंटीमीटर की लाइन तो खींच दी, परंतु ये डिपेंड करता है कि 2 सेंटीमीटर है कि नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितने अच्छे से मेजर कर सकते हैं, कितने प्रिसाइज मेजर कर सकते हैं। अब ये आपने बनाया, हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर की जगह 2.1 सेंटीमीटर, हो सकता है 2.1 सेंटीमीटर के बदले 1.99 हो सेंटीमीटर, तो ये डिपेंड करता है हमारी थोड़ी सी मैनुअल एरर के कारण, वो उतना पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, तो कई बार चल भी जाता है। तो ये टॉलरेंस कितना है, जितना ये चल जाता है वाला लाइन पे ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं, ये मैं अपने मन से तो नहीं बोया हूँ, ये IS कोड अपन लोग को अलाउ करता है कि इतना टॉलरेंस तो अलाउ है, इतनी गलतियाँ माफ़ करी जा सकती है, क्योंकि होगा, ह्यूमन नेचर है, मशीन भी बना रही है तो भी गलती होगी। ये IS कोड कौन सा है जो ये चीज़ स्पेसिफाई किया, IS 1852 सबसे पहले आप लोगों को स्पेसिफाई करता है 5.1.1 में कि साइज क्या होना चाहिए रेनफोर्समेंट का। रेनफोर्समेंट जो आप बुला रहे हैं चाहे वो राउंड हो या फिर हो स्क्वायर, उसके बारे में बता रहा है। अपन को तो काम सर्कुलर का है तो सर्कुलर के हिसाब से देखते हैं। तो जितने से भी स्टार्ट हो, कितने भी साइज हो, उसको मतलब नहीं है। 25 mm तक 25 mm से ज्यादा होगा तो उसका दूसरा कंडीशन, 0 से 25 mm प्लस माइनस 5 mm, मतलब 5 mm कम ज्यादा सह लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। फिर 25 से 35 कितना 0.6, धीमे धीमे टॉलरेंस लिमिट बढ़ते जा रही है। क्यों? साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से वेरिएशन ज़्यादा कम हो सकता है, इसी कारण अपन लोग साइज में वेरिएशन ज़्यादा कम दे सकते हैं। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मैंने साइट में बुलाया 10 mm की बार, अब वो साइट में 10 mm की बार के बदले आ गई 10.9 mm की बार। एक और केस ले लेते हैं, दूसरे साइट में बार बुलाया 9.9 mm की आ गई, तो कौन सी बार मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ? मन तो कर रहा है थोड़ी सी ज़्यादा वाली बार एक्सेप्ट कर लूँ, क्यों? ज़्यादा रेनफोर्समेंट में था, मैंने तो 10 mm को बोला था, 10.9 mm की बार आ गई और अच्छे, परंतु ऐसा नहीं कर सकते। 10 mm की बार आई है तो आप प्लस माइनस 0.5 कर सकते हैं, तो ये उस डिजायरेबल लिमिट के पास आ रही है, ये उससे बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइट में वापस भिजा सकते हैं उस पर। अब इसमें नुकसान क्या है, 10.9 mm की बार की मैंने यूज़ कर ली तो क्या होगा? स्ट्रक्चर डिज़ाइन और पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, क्या होगा? अब हम लोग के पास मिनिमम रेनफोर्समेंट का भी स्पेसिफाई होता है, मैक्सिमम का भी, और मैक्सिमम लिमिट को इसके कारण क्रॉस हो गई तो इसमें आपकी गलती माना जाएगा। इसी कारण ये 10.9 mm की बार हम नहीं यूज़ कर सकते, 9.9 mm की बार भले ही यूज़ कर सकते हैं। ये कौन बोल रहा है? IS कोड बोल रहा है। अब इस साइड में हर बार रेनफोर्समेंट का साइज चेक करना तो पॉसिबल नहीं है, चेक करना चाहिए, परंतु इसका एक और तरीका है बाई वेट, जो कि बहुत आसान है, परंतु उसमें भी एक टॉलरेंस है। अब ये टॉलरेंस कैसे डिसाइड हुई? 0 से 10 mm अप टू 10 mm, 10 mm से बड़ी नहीं की बात हो रही, 10 mm या 10 mm से छोटा, मतलब 10 mm 8 mm की आप बाल लेते हैं तो लगभग 7% प्लस माइनस रेनफोर्समेंट चल जाएगा। अब ये 7% किस हिसाब से बोल रहे हैं? ये परसेंट बोल रहे हैं, इसको भी आगे समझते हैं कैलकुलेशन में। एक एग्जांपल लेते हैं, उसका कैलकुलेशन देखते हैं फिर समझ में आएगा। 10 से 16 क्या होगा? 10 से 16 हुआ और कम हो गया, कितना? 5%। 16 से ज़्यादा होगी कितनी भी हो, 32 mm की बार यूज़ कर रहे हो, 3% से ज़्यादा ऊपर नीचे उसका रेनफोर्समेंट में वेट में नहीं होना चाहिए। अब ये वेट से फ़ायदा क्या है? वेट अपन लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 10 mm की बार है तो उसका वेट कितना होगा ये आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो d² / 162 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये कैसे आया उसका पूरा डेरिवेशन कर सकते हो। अब कहीं मैं बार ले लेता हूँ 10 mm की, 10 mm की बार का वेट कितना होगा? 0.617 है। अब इसमें कहीं मैं साइट में मैं टेस्ट करना चाहूँ तो मेरी अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट कैसे निकालूंगा? 7% ऐड कर लूंगा, लोअर लिमिट निकालना है 7% माइनस कर लूंगा। अपर लिमिट 7% ऐड किया तो कितना आया? 0.66 kg/m। इससे ज़्यादा कहीं वेट किया तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और कम से कम की बात करूँ तो 0.573, इससे कम की बार आ रही है वो 10 mm की है, तो आप साइट में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, बेझिझक रिजेक्ट करना और दूसरी साइट में रेनफोर्समेंट बुलाना। अभी तक तो हम बात कर लिए मैन्युफैक्चरिंग की फॉल्ट की, मैन्युफैक्चरिंग जो फॉल्ट किया उसके बारे में डिटेल में समझ लिए कि वहाँ पर क्या मिस्टेक हो सकती है, कितना टॉलरेंस एक्सेप्ट हो सकता है, हमसे कुछ गलती हुई तो वो कौन बताएगा, वो कहाँ तक लिमिट है।
वो बताया है IS 456. IS 456 क्या बताता है, कभी भी आपकी बीम का इफेक्टिव डेप्थ की बात करता है, इफेक्टिव डेप्थ 200 से कम है या फिर 200 है तो आपकी 10 mm की गलती होती है प्लस या माइनस दोनों एक्सेप्टेबल है। कहीं इफेक्टिव डेप्थ भी 200 mm से ज़्यादा बड़ा है, 200 mm से ज़्यादा बड़ा है तो आपको 15 mm तक की मिस्टेक अलाउ है प्लस और माइनस। इसको भी समझते हैं, यहाँ पर अधिकतर इंजीनियर्स की दिक्कत कहाँ जाती है, इफेक्टिव डेप्थ को कंफ्यूज कर लेते हैं ओरिजिनल डेप्थ या ओवरऑल डेप्थ में। कहीं ये नहीं पता तो आप लोग को पता होना चाहिए, कहीं इफेक्टिव डेप्थ की बात कर रहे हैं। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, जो आपका कंप्रेशन फाइबर है, टॉप मोस्ट कॉन्क्रीट का कंप्रेशन फाइबर, जहाँ से अपन लोग कॉन्क्रीट लोड लेना सह रहा है टिल सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट, जो आपका टेंशन झेल रहा है उसके सेंटर तक, उसको बोलते हैं इफेक्टिव डायमीटर। जो अपन लोग कवर की बात करते हैं वो नॉमिनल कवर होता है कि इफेक्टिव कवर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप जो फुटिंग में 50 mm का कवर होना चाहिए, कॉलम में कितना, 40 mm का, बीम में कितना। साथ ही साथ ये बताना कि वो इफेक्टिव कवर की बात करते हैं कि नॉमिनल कवर। यहाँ पर जब अपन लोग बात कर रहे हैं डेप्थ की, ये डेप्थ क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, तो ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कवर। ये ध्यान रखेंगे जब इफेक्टिव डेप्थ की बात आती है तब इफेक्टिव कवर आता है। इफेक्टिव डेप्थ क्या है, समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कहीं कवर की बात चल रहा है तो नॉमिनल कवर में मुझे कितना छूट दिया है, ये भी IS 456 ही दिया है। IS 456 पूरी चीज डिटेल में बताता है। अब IS 456 क्या बोलता है कि कहीं कुछ स्पेसिफाई नहीं है तब तक, कुछ स्पेसिफाई हो तो अलग कंडीशन, कहीं कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो जो जो नॉमिनल कवर दिया है उसमें डाइवर्शन कितना हो सकता है, प्लस कर सकते हो 10 mm परंतु माइनस में 0 mm। मतलब कहीं बात कर ले कॉलम की, कॉलम में कहीं 40 mm का कवर बोला है तो गलती हुई आपसे तो 50 mm लगा लिए चल जाएगा, परंतु 40 के बदले 30 mm लगा दिए नहीं चलेगा, ये साफ साफ बोल रहा है। आपका साइट में वो पूरा रिजेक्ट किया जा सकता है किसके कारण, नॉमिनल कवर में आपको ने टॉलरेंस 0 है, 0 मतलब आप नेगेटिव साइड में जा ही नहीं सकते, पॉजिटिव साइड ले सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिए कोई दिक्कत नहीं, कम करोगे तो आपका प्रोजेक्ट तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई कवर की, और दूसरी बात की अपन लोग इफेक्टिव डायमीटर की। अब बात कर लेते हैं जब रेनफोर्समेंट को काट रहे हैं तब क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। कभी भी रेनफोर्समेंट कट रही है तो कट रही है कहीं मिनिमम स्पेसिफाइड है, जैसे मिनिमम कहाँ स्पेसिफाइड होता है, मिनिमम स्पेसिफाइड होता है जब कॉलम फुटिंग में लगता है तो वहाँ पर एक इफेक्टिव डेप्थ होता है, वहाँ पर हजम देखना, मिनिमम लिखा रहता है 300 mm, 300 mm से कम नहीं कर सकते। कहीं उस केस में आप ज़्यादा लेते हैं 50 mm चलेगा, परंतु कम से कम की बात करें तो 300 mm देना ही पड़ेगा। कहीं आप रेनफोर्समेंट काट रहे हैं तो उससे कम का भी कटा है तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा 50 mm तक एक्सेप्टेबल है। कहीं स्पेसिफाइड नहीं है और आप खुद कैलकुलेट कर दें, उस केस में 75 mm तक आप एक्स्ट्रा ले लिए चलेगा। कहीं बार बैंडअप 20 mm कम भी करा तो चलेगा, कहीं स्पेसिफाइड नहीं है आपने कैलकुलेट किए तब की, कहीं स्पेसिफाइड है तो सिर्फ 50 mm एक्स्ट्रा और 0 mm कम, मतलब जितना बोला है उतना तो आना ही चाहिए। इस तरह से अपन लोग ने पूरा रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ा। रेनफोर्समेंट के साथ साथ आपको हर एक चीज़ का डिटेल में टॉलरेंस जानना है कि कहाँ पर कितनी गलती माफ़ होती है, कितनी गलती कर लिए तो साइड में चल जाएगा, ये गलतियाँ किस हिसाब से निकली है कि ये साइड में यूजुअली हो जाती है इसके कारण टॉलरेंस लिमिट सेट हुई है, साइट में हो सकती है, मैन्युफैक्चर कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग से भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, उसके हिसाब से ये लिमिट डिसाइड हुई है। आपको ऐसे और डिटेल में वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, कौन से पे चाहिए, कंक्रीट पे चाहिए, फॉर्मवर्क पे चाहिए, किस पे चाहिए कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बनिए सिविल गुरुजी के साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद जय भारत। दिवाली नॉलेज वाली।